गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, केमिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन केमिस्ट्री क्लास में अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में अपन ने वाष्प दाब अवनमन के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद में अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नए टॉपिक का नाम लिखोगे ब्रावले काली या कई बुकों में ये रावले की जगह राउल भी मिलेगा, राउल काली। हेडिंग लगाएंगे रावले का नियम या राउल का नियम। रावले का नियम या राहु का नियम, देखो रावले का नियम या राहु का नियम वास्तव से विलय, देखो रावले का नियम या राहु विलय विलयों के लिए अलग अलग नियम। तो रावले के नियम में भी सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर लिखोगे वाष्पशील विलेय युक्त, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम। रावले के नियम दो हैं, एक वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए और दूसरा पढ़ेंगे अपन अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, जिसमें पहला है अपना वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावले का नियम। देखो वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए रावले का क्या नियम था पहले सुन लोगे, कि ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ भी वाष्पशील हो और विलायक पदार्थ भी वाष्पशील हो, दोनों ही पदार्थ वाष्पशील हो, तो उससे बने विलयन के लिए रावले ने क्या कहा कि इस प्रकार के वाष्पशील द्रव विलयन के अंदर जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलय पदार्थ के और विलायक पदार्थ के दोनों के मोल भिन्न पर निर्भर करता है। विलय पदार्थ और विलायक पदार्थ का जो आंशिक दाब होता है वो विलय के और विलायक के दोनों के मोल भिन्न पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो अपन वाष्पशील विलय विलयन के लिए रावले के नियम की लैंग्वेज लिखेंगे सबसे पहले कि रावले के अनुसार, रावले के अनुसार वाष्पशील, वाष्पशील द्रव विलयन में, वाष्पशील द्रव विलयन में विलयन के अवयव या घटक, और अवयव या घटक में कौन कौन से अवयव घटक होते हैं विलयन में, दो घटक होते हैं एक विलय और एक क्या, कि विलयन के अवयव या घटक का आंशिक
आंशिक दाब, घटक का आंशिक दाब, और आंशिक दाब को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल पी से। आंशिक दाब उस घटक के मोल भिन्न, उस घटक के मोल भिन्न, और मोल भिन्न को रिप्रेजेंट किया था एक्स से। उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती, मोल भिन्न के समानुपाती होता है। उस घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये वाष्पशील विलयुक्त विलयन के लिए रावले का नियम था। अब इस नियम को अपन मानेंगे। माना किसी विलयन के दो अवयव या घटक और उन दोनों घटकों के आंशिक दाब, ए घटक वाले का तो आंशिक दाब पी ए हो जाएगा और बी घटक वाले का आंशिक दाब क्या हो जाएगा पी बी, तथा इनके क्रमशः मोल भिन्न, ए घटक का मोल भिन्न एक्स ए हो जाएगा और बी घटक का मोल भिन्न एक्स बी हो जाएगा। तो ये लैंग्वेज लिखेंगे माना विलयन के दो घटक ए व बी है तथा इनके आंशिक दाब क्रमशः स्मॉल पी ए व स्मॉल पी बी है एवं इनके मोल भिन्न, इनके मोल भिन्न क्रमशः एक्स ए व एक्स बी है। तो एक्स ए एक्स बी है तो एक्स ए एक्स बी है तो रावले के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा अपन लिखेंगे, तो रावले के नियम अनुसार, रावले के नियम अनुसार, तो रावले का क्या नियम कह रहा था, लैंग्वेज देखोगे ध्यान से कि विलयन के अवयव का आंशिक दाब होगा जो उसके किसके समानुपाती होगा, मोल भिन्न के। तो मान लिया पहले विलयन के लिए, पहले घटक के लिए, अवयव के लिए, पहले अवयव के लिए पहला अवयव क्या माना था अपन ने ए, और ए वाले का आंशिक दाब क्या हो जाएगा पी ए, और पी ए किसके समानुपाती होगा उसके मोल भिन्न के, तो मैं किस क्या लिखूंगा एस ए, इसे डाल दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से दूसरे अवयव के लिए, दूसरे अवयव के लिए अपन क्या लिख सकते हैं पी बी इज प्रपोर्शनल टू एक्स बी। इसी इक्वेशन में एक इक्वेशन और बढ़ा सकता हूं, इसी के आगे मैं लिख सकता हूं या यहां पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, इसे इक्वेशन नॉट बी एक्स बी, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दें। यहाँ समानुपाती का चिन्ह उठाने पर आ गया पी नॉट ए
और यहाँ समानुपाती और चिन्ह हटाने पर क्या आ गया बी नॉट बी। ये शुद्ध विलायक का ए घटक का और ये बी घटक का शुद्ध का क्या है वास्तवदाब है जो कि निश्चित होता है अर्थात इन्हें एक स्थिरांक के रूप में माना जा सकता है। समीकरण एक और समीकरण दो नोट करो। ए घटक का आंशिक दाब और बी घटक का आंशिक दाब दोनों तो अपन यहाँ से पी ए के स्थान पर पी ए का मान समीकरण एक से रखेंगे और पी बी के स्थान पर पी बी का मान कैसे रखेंगे समीकरण दो से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ समीकरण एक व दो से पी ए व पी बी का मान तो समीकरण एक व दो से अपन स्मॉल पी ए व स्मॉल पी बी का मान रखेंगे तो पी टोटल पी कुल इज इक्वल टू पी ए के स्थान पर अपन क्या रखेंगे पी ए के स्थान पर आप रखोगे पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट ए एक्स ए और पी बी के स्थान पर अपन रखेंगे पी नॉट बी एक्स बी पी नॉट बी एक्स बी। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड तीन। इतना नोट कर लिया उसके बाद लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे हम जानते हैं कि कुल मोल भिन्न की वैल्यू होती है जो एक होती है अर्थात एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों का जो टोटल होगा वो फिक्स है किसके बराबर होता है एक के बराबर। तो ये आपको सीधा याद रखना है हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू वन। तो आप यहाँ से एक्स ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो और एक्स बी की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो अपन यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल ले जैसे अपन मान निकाल लेते हैं किसका एक्स बी का तो एक्स बी बराबर तो क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स ए और एक्स ए की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगी वन माइनस एक्स बी। समीकरण तीन में मान रखने पर देखो इधर अब इसको ध्यान से समझोगे बाद में नोट करोगे एक बार समझ लो इस चीज को। अपने पास इक्वेशन नंबर 33 कुल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वेशन नंबर थर्ड अपने पास ये। अब आप यहाँ एक्स ए की वैल्यू भी रख सकते हो और एक्स बी की वैल्यू भी रख सकते हो। अपन ए का मान भी रख सकते हैं बी का मान क्यों रखना चाहते हैं ताकि यहाँ बी का मान रख देंगे एक्स बी का मान रखोगे एक्स ए आ जाएगा दोनों तरफ एक्स ए आ जाएगा या आप एक्स ए की वैल्यू रखे हो तो यहाँ पर क्या आ जाए अथवा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आप एक में तो अपन एक्स ए की वैल्यू रख देते हैं अपन किसकी वैल्यू रख देते हैं एक्स बी की। देखो यहाँ एक्स ए की वैल्यू रखेंगे तो पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू क्या है अपने पास वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी ऐसे कैसे रख दिए और यहाँ तो ए की वैल्यू रख दी और यहाँ किसकी वैल्यू रख देते हैं बी की तो पी कुल पी टोटल इज इक्वल टू पी
नॉट के एक्स से ऐसे कैसे रख दिया, जो भी वैल्यू इसकी रखनी है एक्स बी की, और यहाँ रख दिया पी नॉट वी और एक्स बी की वैल्यू अपन को वी ये दे रखी है, क्या निकाली है एक्स बी की वन माइनस एक्स के। आगे आपके पास कोई जरूर नहीं है एग्जाम में दोनों ही पैटर्न करके आओ, आप किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो एक्स ए की रख दो या फिर किसकी रख दो एक्स बी की। समझने के लिए अपन दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली तो पी कुल या टोटल इज इक्वल टू, अपने पास इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट ए, और पी नॉट ए को एक से मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट ए आएगा, पी नॉट ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट ए एक्स बी आ गया, और यहाँ आगे की वैल्यू ऐसे कैसे रख दी पी नॉट बी एक्स बी। इसी प्रकार से यहाँ पर पी टोटल निकालोगे पी कुल, तो यहाँ को पी नॉट ए एक्स से ऐसे कैसे पी नॉट बी को वन से मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट बी, और पी नॉट बी को एक्स ए से मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट बी एक्स ए। इसे इक्वेशन नंबर तीन के बाद दोनों को मैं समान इक्वेशन डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर चार, क्योंकि अपन को एग्जाम में एक ही इक्वेशन उतारनी है या फिर ये वाली उतारनी है ये वाली उतारनी है। तो अपन इस इक्वेशन से क्या समझ सकते हैं कि विलयन का जो कुल वाष्प दाब होता है वो घटक ए के आंशिक दाब पर भी निर्भर कर रहा है, या घटक ए के मोल मिल पर भी निर्भर कर रहा है, और घटक बी आंशिक विलयन के लिए क्या हो गया कि कुल वाष्प दाब होगा विलयन का वो घटक ए के मोल बिंद पर भी और घटक बी के मोल बिंद पर भी, अर्थात विलय और विलायक दोनों के मोल बिंद पर क्या करता है निर्भर करता है। तो हम नीचे लिखेंगे इसलिए इसको उतारे पर नोट करो फिर अपन लिखेंगे नोट करो इसको। तो समीकरण चार के आधार पर अपन लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण से विलेयुक्त वाष्पशील विलेयुक्त विलयन के लिए विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब विलय तथा विलायक विलय तथा विलायक दोनों के मोल भिन्न पर दोनों के मोल भिन्न पर दोनों के मोल भिन्न पर निर्भर करता है निर्भर करता है। जो इस समीकरण
समीकरण में बता रहा है, दोनों इक्वेशन में देख लो, एक में तो x b पर निर्भर कर रहा है, एक में x a पर निर्भर कर रहा है, अर्थात a और b ने, अपन ने a को मान रखा है विलायक और b को क्या मान रखा है विलय, तो विलय और विलायक दोनों के मूल बिंदु पर कुल वाष्प दाब क्या करता है, निर्भर करता है, डिपेंड करता है। इतना नोट कर लिया हो तो इसे एक बार आप वापस समझ सकते हैं, मैं वापस शुरू से बता रहा हूँ। एक बार वापस उसे समझोगे, वाष्पशील विलय विलयन के लिए राहुल का नियम क्या, वाष्पशील विलय विलयन के लिए राहुल ने क्या बताया कि किसी भी विलयन के अंदर जो अवयव होते हैं, अवयव या घटक का मतलब है विलय और क्या विलायक। यदि कोई द्विअंगी विलयन है तो उसके दो घटक होंगे, एक विलय और एक क्या विलायक। तो अपन मान लेते हैं कि उसके अवयव और घटक होंगे वो ए और क्या है बी है, कैपिटल ए और बी अपन ने उसके दो क्या मान लिए अवयव। तो राहुल क्या कहता है कि उसके अवयव या घटक का आंशिक दाब उसके किसके समानुपाती होगा, मोल बिंदु के। अपन ने आंशिक दाब को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल बी से और मोल बिंदु को रिप्रेजेंट किया है एक्स से। तो ए घटक का आंशिक दाब समानुपाती होगा एक्स ए के और बी घटक का आंशिक दाब समानुपाती होगा एक्स बी के। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह आया तो इस समीकरण को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ए समानुपाती का चिन्ह आया कॉन्स्टेंट आ गया बी नॉट ए एक्स ए और बी बी के लिए इक्वेशन आ गई बी नॉट बी एक्स बी। इसे इक्वेशन नंबर 15 डाल दिया, इसे इक्वेशन नंबर 17 डाल दिया। आप यहाँ पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, लेकिन पी नॉट ए लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पी नॉट ए है जो विलायक के शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये पी नॉट बी था वो शुद्ध विलय का वाष्प दाब, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है शुद्ध विलय का वाष्प दाब, शुद्ध विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब। अब आगे अपन ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लिख दी, तो डाल्टन के नियम के अनुसार अपन ने क्या लिखा था कि डाल्टन के अनुसार कुल आंशिक दाब होगा, कुल आंशिक दाब का मतलब पी ए और पी बी दोनों का योग होगा वो कुल वाष्प दाब के क्या होगा बराबर। तो अपन कुल वाष्प दाब पी कुल निकालेंगे, पी टोटल निकालेंगे, तो स्मॉल पी ए प्लस क्या कर दिया स्मॉल पी। समीकरण एक और दो से अपन ने पी ए और पी बी की वैल्यू रख दी, पी ए की वैल्यू क्या है अपने पास पी नॉट ए एक्स ए और पी बी की वैल्यू क्या है पी नॉट बी एक्स बी, दोनों की वैल्यू रख दी। फिर हम जानते हैं कि विलय और विलायक दोनों के मोल बिंदुओं का योग किसके बराबर होता है, एक के बराबर। तो आप यहाँ से एक्स ए और एक्स बी दोनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हो, अगर एक्स ए का निकाला तो वन माइनस एक्स बी हो जाएगा इस इक्वेशन से,
प्लस पी नॉट बी एच थ्री। और दोबारा मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया, पी टोटल पी कुल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। देखो मैं यहाँ तो एक्स ए का मान रख देता हूँ, यहाँ किसका मान रख सकता हूँ एच बी का। आप एग्जाम में एक बार ही लिख सकते हो या तो एक्स ए का रख दो या एक्स बी का रख दो, लेकिन समझने के लिए अपन ने यहाँ पर लिख दिया पी कुल इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए का मान रख दिया वन माइनस एक्स बी। एक्स ए का मान क्या था वन माइनस एक्स बी और इस वाले वैल्यू का इसके से रख दिया पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ से पी कुल का मान निकालोगे मल्टीप्लाई कर दो इसे पी नॉट ए एक से किया तो और एक्स बी से करोगे तो पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पर ए का रखा है तो यहाँ पर किसका रख दो बी का, तो बी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और मान रखा बी का तो वन माइनस क्या आ गया एक्स ए। बी का रखा तो एक्स बी का मान अपने पास था वन माइनस एक्स ए, तो बी टोटल इसे भी मल्टीप्लाई किया तो पी नॉट ए एक्स ए शुरू की वैल्यू कैसे कैसे रख दी पी नॉट बी हेडिंग है अपनी सेकंड नियम है अपना अवास्तविक विलयुक्त विलयन के लिए रावले का नियम। पहले एक बार ध्यान से समझोगे बाद में नोट करोगे। देखो अवास्तविक विलयुक्त विलयन के लिए रावले का नियम किस, आपको यहां से ही पता लग रहा है कि अब की बार जो विलयन है उसमें विलायक तो वास्तविक है लेकिन विलय है जो कैसा है अवास्तविक, अर्थात विलय एक ऐसा पदार्थ है जिसकी क्या नहीं बन सकती वास्तव नहीं बन सकती। तो मान लिया सूत्र में तो अपन वही लिखेंगे, माना द्विअंगी, माना द्विअंगी विलयन के दो घटक कैपिटल ए व कैपिटल बी है जिसमें इनके आंशिक लाभ क्रमशः क्या हो जाएंगे पी ए व पी बी है।
तथा मोल भिन्न, मोल भिन्न क्रमश क्या हो जाएगा एक्स ए व एक्स बी, इतना हो जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि इसमें दो पदार्थ है, एक विलेय है और एक क्या है विलायक, जिसमें विलायक की तो वाष्प बनती है लेकिन किसकी वाष्प नहीं बनती, विलेय की वाष्प नहीं बनती, तो बताओ क्या विलयन का कुल वाष्प दाब इस विलेय पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसी के आधार पर अपन इसकी इक्वेशन बनाए, तो राउले के नियम अनुसार, राउले के नियम अनुसार, राउले के नियम अनुसार, तो राउले के नियम अनुसार अपन इसमें एक इक्वेशन को इस प्रकार से ले सकते हैं कि पी ए का जो आंशिक दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके, एक्स ए के, तो पी ए बराबर में क्या लिख दू पी नॉट ए एक्स ए, इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार से ये तो कौन से विलयन के लिए हो गया, पहले घटक के लिए, कौन से घटक के लिए, पहले घटक के लिए, पहले घटक के लिए, देखो यहाँ पर तो साइन चल रहा है जो पहले था, फिर इसी प्रकार से किसके लिए निकालोगे, दूसरे घटक के लिए, दूसरे घटक के लिए, तो दूसरे घटक के लिए क्या आ जाएगा अपने पास कि पी बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या एक्स बी, और पी बी ने समानुपाती का चिन्ह पाया तो पी नॉट बी एक्स बी, इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अंतर यहाँ से आएगा कि वहां तो जो कुल वाष्प दाब निकालते थे अपन, तो कुल वाष्प दाब में घटक ए के और घटक बी के दोनों को आंशिक दाब को क्या करते थे, जोड़ते थे, क्योंकि दोनों ही क्या थे वहां वाष्पशील। लेकिन एम होगा जो विलय वाले पर डिपेंड करेगा क्या, नहीं करेगा, केवल इस पर डिपेंड करेगा विलायक वाले पर, और विलय वाले को आप किससे लिख रहे थे, बी से, भाई ए का मतलब तो अपन क्या लिख रहे थे विलायक, क्या लिख देता हूँ मैं, ए का मतलब तो अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे विलायक को, और बी का मतलब अपन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विलय को, इसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ना। तो डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार, आंशिक दाब के नियमानुसार का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब केवल किस पर निर्भर करेगा, विलायक पर निर्भर करेगा, किस पर निर्भर नहीं करेगा, विलय पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि विलय अपने पास क्या है अवाष्पशील, तो यहां से चयन हो जाएगा अवाष्पशील के लिए कुल वाष्प दाब केवल विलायक के आंशिक दाब, केवल विलायक के आंशिक दाब पर निर्भर करेगा, आंशिक दाब पर निर्भर करेगा, निर्भर करेगा, विलय पर नहीं, विलय पर नहीं, क्योंकि विलय पर निर्भर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि विलय कौन सा पदार्थ है अवाष्पशील, क्योंकि विलय अवाष्पशील मतलब जिसकी वाष्प ही नहीं बनती, जब वाष्प ही नहीं बनेगी तो वाष्प दाब कहां से आएगा, वाष्प दाब निर्भर ही नहीं करेगा, विलय अवाष्पशील पदार्थ है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि पी टोटल, पी कुल वो केवल किस पर डिपेंड करेगा, विलायक पर, और विलायक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स से, तो यहाँ मैं क्या लिखूं पी ए, पहले तो अपन ने कुल वाष्प दाब पी टोटल को पी ए प्लस क्या लिखा था पी बी, अर्थात विलय और विलायक दोनों पर निर्भर कर रहा था, लेकिन यहाँ विलय अवाष्पशील होने के कारण विलय पर डिपेंड नहीं करेगा, अर्थात बी वाले पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल विलायक पर करेगा, अर्थात किसके बराबर होगा पी ए के बराबर। अब समीकरण एक से आप इसकी वैल्यू रख दो पी ए की, तो पी ए का मान रखने पर, पी ए का मान रखने पर, और पी ए का मान क्या है अपने पास, तो पी कुल इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, याद है। इसके बाद हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है वन, तो अपन यहाँ से एक्स ए का मान निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि, हम
चालो समीकरण नंबर तीन, बोले तो समीकरण तीन में एक्स ए का मान रखने पर, एक्स ए का मान रखने पर और समीकरण तीन में एक्स ए का मान रखो तो पी टोटल, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए के स्थान पर रख देंगे वन माइनस एक्स बी, वन माइनस एक्स बी और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पी टोटल इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से समझोगे इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि विलयन का कुल वाष्प दाब बताओ किसके मोल बिंदु पर निर्भर कर रहा है, विलय पर कर रहा है या विलायक पर कर रहा है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब बी, बी का मतलब क्या है विलय, विलय के मोल बिंदु पर निर्भर करता है, विलायक के मोल बिंदु पर निर्भर नहीं करेगा, किस पर निर्भर करेगा विलय के मोल बिंदु पर क्या करता है निर्भर करता है। एक बार इसे वापस समझोगे फिर इसके नीचे लिखवाएंगे। देखो जहां बी है उसे अपन ने क्या मान रखा है विलय, तो रावली के नियम के अनुसार अपन ने पढ़ा था, रावली ने क्या कहा था कि विलयन के प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उसके मोल बिंदु के क्या होता है समानुपाती, तो ए वाले का आंशिक दाब ए के मोल बिंदु के समानुपाती होगा और बी वाले का आंशिक दाब बी के मोल बिंदु के क्या होगा समानुपाती। तो यहां से समानुपाती प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया पी नॉट आ गया और यहां से हटाया क्या आ गया पी नॉट, ये समीकरण एक और क्या बन गई। अब यहां से डिफरेंस चलेगा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता था कि कुल आंशिक दाब होता है जो कुल वाष्प दाब के क्या होता है बराबर होता है, लेकिन यहाँ विलय पदार्थ अपने पास कैसा है अवाष्पशील, तो बताओ इसकी वाष्प बनेगी क्या, जब वाष्प नहीं बनेगी तो क्या वाष्प दाब इस पर डिपेंड करेगा क्या नहीं करेगा, अर्थात यहाँ कुल वाष्प दाब है जो विलय पर डिपेंड नहीं करता सिर्फ इस पर डिपेंड करता है विलायक पर, और विलायक वाला कौन सा था ए, तो इसलिए पी टोटल केवल बराबर होगा पी ए के बराबर, पी बी पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि पी बी बी का मतलब विलय, विलय क्या है अपने पास अवाष्पशील, पी ए का मान अपने पास है पी नॉट ए एक्स ए तो पी टोटल हो गया पी ए का मान रख दिया पी नॉट ए एक्स ए, इसे इक्वेशन नंबर डाल दी थर्ड। हम जानते हैं कि विलय और विलायक का मोल बिंदु टोटल एक होता है, एक्स ए की वैल्यू वन माइनस एक्स बी रख दी तो एक्स ए के स्थान पर वन माइनस एक्स बी रख दो, तो पी टोटल बराबर पी नॉट ए और एक्स ए के स्थान पर रख दिया वन माइनस एक्स बी और इसे सोल्व किया तो पी नॉट ए को वन से मल्टीप्लाई करोगे पी नॉट ए आएगा और पी नॉट ए को एक्स बी से मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट ए एक्स बी आ जाएगा, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर फोर। और लास्ट में अपन क्या लिखेंगे कि विलयन का कुल वाष्प दाब होता है वो किसके मोल बिंदु पर निर्भर कर रहा है बी, बी का मतलब किसका मोल बिंदु है विलय का, विलय के मोल बिंदु पर निर्भर करता है किसके लिए अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए, जबकि वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए विलय और विलायक दोनों के मोल बिंदु पर क्या करता था निर्भर, और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए केवल किस पर डिपेंड करता है विलय के मोल बिंदु पर क्या करता है निर्भर करता है विलायक के मोल बिंदु पर निर्भर नहीं करता, जैसे नॉट करो एक बार तो लिख पाएंगे। ये फर्स्ट नंबर पर उतारना है, इसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ से उतारना है, फिर थर्ड नंबर पर ये उतारना है, फिर फोर्थ नंबर पर ये उतारना है और फिफ्थ नंबर पर ये उतारना है, ध्यान रखना।
तो ऊपर की गोलाकार के समीकरण के बारे में लिख देता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर फोर समीकरण चार से स्पष्ट है कि अवास्तशील विलेय युक्त विलयन का कुल वास्तुदाब इस पर डिपेंड कर रहा था एक्स बी और बी इसको रिप्रेजेंट करता है विलयन के मूल बिंदु को। कुल वास्तुदाब विलय के मूल बिंदु मतलब एक्स बी पर निर्भर करता है। ये आपका अवास्तशील विलय विलयन के लिए रावले का नियम कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे, इसके बाद कल हम नेक्स्ट टॉपिक आदर्श और अनादर्श विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।